अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद रियाज पाशा दक्कन किराम न्यूज में आप सबका इस्तेफाल करता हूँ। आइए देखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हाजी है, अजहरुद्दीन का छोटा भाई हूँ मैं। हम लोग आसिफ नगर एरिया में रहते, साहब साबे नगर में। ये वाकया KHK के पास हुआ, KHK फंक्शन हॉल साबे नगर में। पांडब्बा चल रहा, ये मुकरम का पांडब्बा बोले तो वहाँ पे ज़रा फेमस है साहब। वो लोग क्या है, दादागिरी चला रहे हैं वहाँ पे। पानी के बॉटल की वजह से जो है ना इतना बड़ा इशू कर दिए, वेपन्स निकाल दिए यहाँ पे, जो है जान पे बात आ गई साहब। वाकया ये था कि पानी के बॉटल की जगह उन्होंने कुछ दूसरा दिया था भाई, ये कहीं को दे रहे बोले तो सब्र रखता नहीं रखता बोल के हाथापाई कर दिए साहब। तो 3 दिन पहले हाथापाई कर देने पे उन्होंने जाके कंप्लेन लिखा दी उन्होंने खुद से। कंप्लेन लिखाने के बाद वो जो उनके भाई है वहाँ पे जो है मामूल देते पूरे कॉन्स्टेबल्स को, तो वो कॉन्स्टेबल ऑन द स्पॉट फ़ोन करके बोला तुम्हारी कंप्लेन नहीं, इसको हम भिजा रहे, तुम वहाँ देख लो बोल के कंप्लेन ले नहीं वो लोग। तो अभी कंप्लेन हम जब कंप्लेन हुई थी फर्स्ट नहीं हुई थी साहब, पहले ले लिया नाम वही ले लिया, एक्शन कुछ भी नहीं लिया साहब। जो है उनके मामूल जाते रहता डब्बे का, 24 आवर्स डब्बा चालू रहता साहब। तो हमारे भाई को मुकरम का डब्बा, सैम डब्बा, वो मुकरम का डब्बा है सब, उसके भाई चला रहे अभी वहाँ पे 24 आवर्स वहाँ पे डब्बा चालू रहता। आज क्या हुआ, उन लोग को पुलिस वाले बोले कि तुम्हारी कंप्लेन वापस नहीं ले रहा उन्हें, उसको बुला के दराओ धमकाओ, उसको मार के कंप्लेन वापस लेने लगाओ, नहीं लिया तो तुम्हारे ऊपर एक्शन लेना पड़ता बोलने पर। उसको हमारे भाई को फ़ोन करके बुलाए, इधर आ बात करना है, सॉरी बोलना है तेरे को बोल के घर पे से बुलाए, खाने पे से उठा के। तो उन्हें जाके क्या हुआ भाई, बोलते कि जो है ना पचकड़ा मारना शुरू कर दिए, पहली वजह कंप्लेन वापस लियो बोल के। और कॉन्स्टेबल जो है लोगों को सपोर्ट कर रहे थे साहब, तुम लोग यहाँ से करा, और नाम नहीं मालूम साहब, जवान है वो लोग, रोज मामूल लेते हैं 12-1 बजे से, आसिफ नगर के जवान है साहब, हमको नाम नहीं मालूम। और हम लोगों को नाम पूछने पे PS से बाहर ढकल दिया साहब, हमारे वालदा को, और PS में हमारे को कांस्टेबल हमारे को गाली भी दिया साहब, अम्मा की गाली दिया वहाँ पे, वक्त आ जा। और जो है ना साहब पान डब्बे के पास पूरे जो है नशा करते हुए वहाँ बैठते 25 से 30 लोग जो है मोहम्मद अजहरुद्दीन पे हमला करे सर, स्टिकों से और हर चीज़ से मारे सो है साहब। जब नाम मेरे को मालूम है, मुकरम, अकरम, खुर्रम, समीर, फारूक, ये 5 भाई हैं और इनके जो है 5 मामू के बच्चे, एक पागल भाई है जो इनका ऑलरेडी इनके ऊपर केसेस चल रहे साहब, रॉडी शीटर ओपन है लोगों के। और ये लोग क्या है, पुलिस को मामूल देते डब्बा ओपन रखने के लिए, और इनके जो भी है नशे के चीज़ें हैं ना साहब वो सब करते साहब इन लोग। तो उस वजह से इन लोगों को पुलिस वालों का सपोर्ट मिलने की वजह से इन लोगों का बहुत ज़्यादा हम लोगों के ऊपर जुल्म कर दिया साहब। क्या टाइम पे हुआ भाई अटैक? ये अटैक हमारे को 9:30 के बीच में हुआ सर, 10 के अंदर हुआ। अभी क्या जा रहे हैं आप लोग? अभी साहब हमारे भाई की बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, और ऑन द स्पॉट जाफर हुसैन साहब हमारे को हेल्प करके जो है असरा हॉस्पिटल में भिजाए साहब ऑन द स्पॉट। और यहाँ पर हम जब वहाँ पे हमारे भाई को जो है ना 25 से 30